की नजरा से धस गई है, दिखला दे कि इस सड़क से निकलना कितना मुश्किल हो चुका है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस सड़क पे रात में या दिन में अगर किसी की नज़र ना पड़े तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हम आपको दिखाते हैं, आइए इस खड्डे दिखाते हैं। ये है वो तस्वीर, आपको बता दें कि इस रास्ते से रात में गुज़रना तो बिल्कुल ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस रोड पर ट्रैफिक ना होने के कारण बहुत आवागमन रहता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के जो लोग जाने वाले हैं वो यूपी से उत्तराखंड में जो जाने वाले हैं वो चिड़ियापुर से सीधा समीपुर बाया कोट द्वार आगे तक निकल जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही जोखिम भरा सफ़र है, ये रास्ता बिल्कुल इस लायक नहीं है कि यहाँ पर रात के समय में गाड़ियों से जाया जा सके। आपको बता दें, आपको दिखाते हैं इसी क्रम में, आपको दिखाते हैं कि पूरे रास्ते में कितने गड्ढे हैं और कहाँ कहाँ बारिश के कारण मिट्टी खिसक गई है। मिट्टी खिसक ने के कारण ये रास्ता पूरी तरह से धस गया है यहाँ पर। आइए आपको और, अब इस वक्त हम समीपुर से चिड़ियापुर की ओर जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये रास्ता बहुत ही चलता है, आप देख रहे होंगे इस वीडियो में। अभी यहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ ही मिनट कुछ ही पल में यहाँ इतनी गाड़ियाँ गुजरती हैं कि इस रोड से जाना इस समय बरसात के मौसम में बिल्कुल ख़तरे से खाली नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा इस सुरक्षा की दृष्टि से ये लगा दी गई है, मगर इससे बारिश भारी बारिश के कारण ये रुकने वाला नहीं है। आइए हम आपको सीधा आगे चल करके कुछ खड्डे इसी तरह के और दिखाते हैं। ये कांवड़ भी इसी रास्ते से चिड़ियापुर से वाया समीपुर होकर के नजीबाबाद जा रही है। आप ये जो सड़क देख रहे हैं, बता दूं कि इस सड़क पर इतना जोखिम भरा सफ़र है कि यहाँ पर जंगली जानवर माया हिरन वगैरह आ जाते हैं, और ये यहाँ पर रात के समय में रास्ता पार करने में उन्हें परेशानी होती है, जिसके कारण अक्सर यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। इस सड़क पर आपको दिखा दें कि दोनों तरफ इसके बड़ी बड़ी घास खड़ी हुई है। इस घास में कोई भी चीज़ सड़क पार करते हुए एकदम सामने आ जाती है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता समीपुर से चिड़ियापुर नहर की पटली का रास्ता कहलाता है। आइए आगे हम आपको दिखाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त ये डाक कावड़ है जो कि यहाँ से बाईपास होकर के गुजर रही है। ये डाक कावड़ है, ये हरिद्वार से डाक कावड़ लेकर के आ रहे हैं। ये डाक कावड़ के लिए आसान रास्ता रहता है, क्योंकि इस रास्ते पर ट्रैफिक कम होता है। अगर मंडावली से होकर के वाय नजीबाबाद जाते हैं तो रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण डाक कावड़ियों को बहुत परेशानी होती है। डाक कावड़ किसी भी हाल में किसी भी दशा में रोकी नहीं जा सकती। तो आपको बता दें कि ये डाक कावड़ के लिए सबसे बेहतर रास्ता यही रहता है, चिड़ियापुर से समीपुर होते हुए नजीबाबाद जाने के लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि ये वही नहर है, इसका एक नहर का अद्भुत नज़ारा जो कभी कभी देखने को मिलता है। आइए हम इसे आपको विस्तार से
इसे दिखाते हैं। इस नहर की खासियत यह है, इस नहर का जो मेनली मकसद है वो ये है कि ऊपर की साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये नहर है, ये नहर है जो यहाँ से लगभग 15 फीट की गहराई में है। लेकिन इसी नहर के नीचे और भी एक नदी बहती है, हम दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे। ये नहर के बाद आप देख सकते हैं नज़ारा कि इस नहर के नीचे लगभग 50 फीट गहराई में ये आपको जो नदी दिख रही है, लगभग इसकी गहराई यहाँ से 50 फीट है। ये नदी जंगल से होती हुई उत्तराखंड के निचले इलाकों से होती हुई यहाँ पर इसका पानी मोटा ढाक का पानी यहाँ पर निकलता है। आपको बता दें कि सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ गुजरों के डेरे पड़े हुए हैं। इतनी बरसात में किस तरह से ये अपने जानवरों को और अपने आप को, अपने बच्चों को यहाँ पर महफूज रखते हैं, आइए आगे इनसे बात करेंगे। इस वक्त हम बिजनौर के समीपुर हाईवे के रास्ते पर हैं, नहर की पट्टी पर हैं। आप बता दें ये भोले हरिद्वार में कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, और आइए इनसे बात करते हैं कहाँ से हैं। हल्द्वानी से जी। कब चले थे? हम सुबह 5 बजे चले थे हल्द्वानी, सुबह 5 बजे जी। इस वक्त 5:45 बज रहे हैं। हाँ, असल में ऐसा हुआ ना, रास्ते भर पूरे में बारिश नहीं आया। हम लोग जोर से बोलो। अच्छा, हम लोग जो है बारिश में आए थे ना पूरा। अच्छा, बारिश में रुकते हुए आए, कुछ भीगते हुए भी आए। अच्छा, जल कब चढ़ाना है? जल हमें सुबह 5 बजे चलाना है। तो अब यहाँ से हरिद्वार जाने में भी आपको 1 घंटा लगेगा? हाँ जी, 1 घंटा। वापसी करेंगे हम जो है अभी 1 घंटा वहाँ रुकने के बाद में तुरंत आ जाएंगे। 1 घंटा वहाँ रुकेंगे, 1 घंटा रात भर मतलब जो है कैब करके उसके बाद में सुबह 5 बजे चढ़ाएंगे। सुबह 5 बजे बरेली भी चल चढ़ाएंगे जी। आप कहाँ से? हल्द्वानी से हैं। तो आज शिवरात्रि से पहले टाइम नहीं मिला, कैसे क्यों? अभी नहीं मिला सर, बिजी थे, कामों में भी थे, अपने ताताली भी आ रहे थे, बंदोबस्त में लग गया था टाइम। अच्छा, बंदोबस्त में टाइम लगा उसके कारण। भोलेनाथ का जो दिन है वो कल का दिन है। हाँ जी सर, कल का, इसलिए आप कल के दिन जा करके जल चढ़ाना है, सुबह में जल चढ़ाना है। हाँ जी सर, कल सुबह कितने भी हाल में चलेगा, हमें चढ़ाना है। पुल है जिसे आपको मैंने अभी पहले दिखाया था, उसके बाद कांवड़ियों से बात हुई। बता दें कि इस पुल से इसके दूसरी तरफ थाना नजीबाबाद है, और इस ठोकर पे इसकी थाना मंडावली की सीमा है। कैमरामैन विशाल के साथ कलीम हुसैन की रिपोर्ट, यूपी उत्तराखंड लाइव टीवी के लिए।